favor. So I see the Josh. It feels very good. And I think as I mentioned, kiya, I think past this started, matlab Malar Masi jo shuru hua tha and COVID happened. But this kind of response is amazing from the people. It shows that, you know, Asim ji, who is fabulous as a person, because I know him as a person. Unka kaam dikhta hai. And it's a no matter if the activity mein aata hai, which is not a joke, I think. Sorry? चाइल्ड अब्यूज के बारे में हम मैसेज देते हैं, बट आई थिंक अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब अपने बगल में कुछ होता है तो हिम्मत नहीं होती बात करने की, बोलने की. एंड आई बीन ऑलवेज अ पर्सन दैट हू बिलीव्स इन ऑल दीस थिंग्स के जब जो है बोल दो. आई एम नॉट अ पर्सन जो ये बोले कि ये मत करो वो मत करो. मैं आपको बोलती हूँ कि आई थिंक इफ यू डोंट स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, इफ यू डोंट हेल्प अदर्स, you will never be able to conquer anything in the life. Child is something related to our future. और अगर जब आप उसे देखते हैं मदद नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अवेयरनेस तो स्प्रेड कर ही सकते हैं. एंड उसे किसी चीजों की नॉलेज की जरूरत है तो आई थिंक ऑलवेज स्प्रेड नॉलेज, बिकॉज देन यू थिंक समथिंग गॉड इज गोना गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो जस्ट बी फ्री एंड मस्ती करो. 2023 आने वाला और भी अच्छा हो और आपका आज
put it in one line and summarize it. I think let the right time come. Time affects a lot. And you will also, I think, hope like it. And thank you so much for my last project, which was not very, very long. It was one episodic, but I got a lot of love. And people loved my role as Ruby. It was very bold, very independent. Yet at the same time, it was something message giving in the dirt. Kamal to keechad mein khilta hai, log bolte hai. Lekin tarah tarah ki baatein bhi hoti hai. So I think that character has a lot of things to say, and it actually did. And song ko bhi itna pasand kiya, naya kuch aa raha hai. Aayega la, and like I said, abhi ki let the right time come, I will speak about it. Thank you. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जब ये शुरू हुआ था, जब पहला जब ये एपिसोड मतलब ये शो हुआ था, 5 साल हो गए आज जब पहला हुआ था, तो मुझे उसमें भी मौका मिला था, असलम जी ने मुझे बुलाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे मुझे वैसे लगा था आज भी वैसे नहीं। आज तो ये बहुत बड़ा शो हो चुका है, ये बॉलीवुड जैसे बॉलीवुड है एक, मतलब हर आर्टिस्ट जिसको भी, लेकिन ये उनका प्यार है, सब यहाँ इन प्यार के लिए आते हैं। यहाँ कोई वो नहीं है कोई प्रोफेशनल बन के आता है या कोई पैसे के लिए आता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भी गलत अभी निकाल दो कि सब प्यार के लिए आते हैं, उनका प्यार है। और शेखर जो मेरा मैनेजर है और आजकल मेरे पास बहुत कम आता है, बहुत टाइम कम देता है, तो मैं सोचता था ये जाता कहाँ है, मैं बहुत शक करता था, लेकिन अभी पता चला है कि एक महीने से इधर ही रात दिन काम कर रहा है और ये संभाला। इसने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा जो योगदान है वो शेखर सिंह का है। और असलम भाई उसको बाकी छोटा भाई मानते हैं, प्यार करते हैं, ये प्यार के काबिल है। और मैं असलम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मतलब मलार मस्ती जो है, बाकी यहाँ पे मस्ती होती है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, गर्मी में बाहर खड़े हम थोड़ी देर के लिए आते हैं, तो ये देखो हमारा हाल, लेकिन उनका प्यार है ऑडियंस का, स्मॉल है ऑडियंस का हमारा, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है मस्ती के साथ साथ जो मेन है एक मकसद होता है। हर जैसे कोई फिल्म होती है, हर फिल्म में कोई मैसेज होता है, ये शो में एक मैसेज भी दिया जाता है जो आज का मस्ती है, जो बच्चों के लिए या वो जो और भी जो चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने क्रिएटिविटी भी देखी है उसका आपका, मतलब हर चीज के लिए जो है आने वाली जो जनरेशन है बच्चे हैं उनको जो है एक मैसेज दिया जा रहा है कि कैसे रहना है, कैसे रहना, किन चीजों से दूर रहना, किन चीजों से बचना है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि देखते हैं आप लोग कुछ पा रहा है, और यहाँ का भी जो है आप जरूर देखना मेरे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर। बिग बॉस जो है आज मेरा एपिसोड रिलीज हुआ कृष्णा के साथ, जो है बिग बॉस जो उसका आता है मूड पे, उसमें बड़ा आदि देखा बिग बॉस मतलब है किसी के लिए इतना ज्यादा, कि सारे अच्छे हैं क्योंकि सब अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, जैसे करते हैं। मुझे तो बिग बॉस का गेम अच्छा लगता है, जो हर साल बुलाया जाता है, कहीं ना कहीं आ जाता है, कहीं ना कहीं से हिट हो ही जाता है शो, ये उनका ही गेम सबसे अच्छा है। जैसे करोड़पति में बच्चन साहब ने करोड़पति, तो जो मेन जो है जो कितनी देर से बात करता है, तो बिग बॉस जो है वो कमाल का शो है, कमल शो है, उसमें सभी होती है कमाल। मतलब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्या बोल रहे हैं तो मैंने मुझे बताया, तो क्या बोल रहे हैं लास्ट में, नो थैंक यू सो मच, सारी कस्टम है, धन्यवाद। तो ये अलग एनर्जी मिलती है, इस तरह के फंक्शन होने चाहिए, इसकी स्पेशलिटी सुबह अर्ली मॉर्निंग होना, ये भी एक स्पेशलिटी है, ज्यादातर फंक्शन नाइट को होते हैं, तो इसका इट्स अ वेरी स्पोर्टी, आई लव दिस कॉन्सेप्ट, आई रियली लव दिस कॉन्सेप्ट। इट वॉज नॉट हाउ वॉज इट इज स्टिल गोइंग ऑन, आई एम कैरिंग एनर्जी विद माई सेल्फ वेर एवर आई विल गो इन फ्यूचर, मुझे बहुत पसंद है। और असलम शेख जो है वो बहुत ही बड़े पायस इंसान है और वेरी गुड आइडिया, आई रियली लव दिस। मैंने जब इसके बारे में पता किया शो के बारे में, मेरी अपनी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं आई शुड कम,
तो मैं आया हूँ, आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड. मतलब अब मेरे लिए एक नया आइडिया है और बहुत फ्रेश है. थैंक यू. जिन्होंने पहुंच जाता हूँ, मैं जब भी मैं भी कॉलेज में था और इतना अच्छा रिस्पांस, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, असलम शेख भाई को मैं धन्यवाद दूंगा. और नॉर्मली जैसे मैं बोलता हूँ, हमारी ऑडियंस जो होती है वो अबाउट 35-40 होती है. आज यंगस्टर्स का जोश देखकर मज़ा आ गया और जो रिस्पांस मुझे दिया उन्होंने, जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत मज़ा आ गया. मतलब मेरा खून और मेरा मसल मास बढ़ गया. जो हमारे इंटरनेशनल जीते हैं, बहुत रिनाउंड है, उन्होंने इतने अवार्ड जीते हैं, वो इतने फेमस होकर उनके चैनल भी है, आपने कितने सारे गाने सुने उनके, आपने कितने सारे शोज उनको देखा है. हमारे देश में वन पीस है, एक ही है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है और जो सबसे ज्यादा बिजी है और जिनकी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कितना फैन फॉलोइंग है. और उनकी आवाज में बना हूँ और उन्होंने परमिशन दिया गाने के लिए, तो अमिताभ जी को जितना मैं थैंक्स करूँ और हमेशा उनकी अच्छी सेहत के लिए हम दुआ मांगते हैं. मेरे घर में टीवी नहीं है तो मैंने वो देखा नहीं, मैं मूवी रिलीज होगी तब देखूंगा. एक्चुअली ये मेरा विषय नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को हमारा जानता हूँ. आजकल जो हंसना भूल गए, मैं इंटरटेन करें तो उनके बच्चे को मुश्किल, मेरा वही सब्जेक्ट है और बाकी चीज़ों में मैं करता हूँ. बहुत बहुत मुबारक हो और जो पहला नया साहब है वो मोटा उसके बाद हम बहुत दर्शन उठाता है. इस नए साल में वो ध्यान करें कि हम अपने अपने घर के सामने बुजुर्ग अपने बच्चों को समाज और अपनी जिम्मेदारियाँ समझे. ये जो भी हुआ है हमारी वजह से ही तो हल्का चीज है, तो अपनी जिम्मेदारी से मत करिए, अपनी शांति की तरफ, अपने धर्म की तरफ अपनी दृष्टि. बस सबको नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, अच्छे सेहत हो, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, भरपूर माल कमाए और अच्छे काम में उसको खर्च करें.